हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम जो 5 मिनट की सीरीज चला रहे हैं एग्जाम वाले कंसेप्ट्स, तो आज हमारा कंसेप्ट है किसके बारे में बात करेंगे। आज हम प्लेगरिज्म के बारे में बात करेंगे, साहित्य चोरी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या चीजें होती है यहाँ से, किस तरह के यूजीसी नेट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत शांति से सुनना है और अपने जो बैच शुरू है दिसंबर के लिए और अगस्त सितंबर के लिए, उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो सबसे पहले हम बात करें प्लेगरिज्म, साहित्य चोरी की। तो इसमें हम किसके बारे, कौन से रेगुलेशन के तहत आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो रेगुलेशन कौन सा है ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018 के तहत ये जो बात पढ़ेंगे वो सारी होगी। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्य चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन विनियम 2018, इसके बारे में सारी बातें होंगी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत शांति से सुनना है, ठीक है। और अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इससे आपको सुखी की प्राप्ति होगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। आप प्लेगरिज्म या साहित्य चोरी का मतलब तो समझ रहे होंगे, यानी कि आप किसी का काम है और आप वो दिखा रहे हो, ठीक है, बिना क्रेडिट दिए, तो वो क्या है, एक तरह से प्लेगरिज्म है, साहित्य चोरी है। यानी कि मैंने कुछ काम किया, आप अपने नाम से दिखा रहे हो एक तरह से, यानी कि आपने चोरी की है, आपने कोई क्रेडिट दिए बिना, तो उसमें आपको क्या क्या पेनल्टीज मिलेगी, कौन कौन से लेवल में और कितना प्लेगरिज्म या सिमिलरिटीज है उसमें, कोई पेनल्टी नहीं है, उतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि कुछ थ्योरीज हैं, कुछ चीजें हैं तो वो तो सेम ही रहनी है, तो वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, ये किसका प्लेगरिज्म है, जब आप थीसिस अपनी सबमिट कराओगे या मास्टर्स के दौरान जो डिसर्टेशन होती है उसमें क्या पेनल्टीज है, कितना आप प्लेगरिज्म करोगे तो क्या पेनल्टी मिलेगी। इसमें टोटल जो लेवल है वो 4 है, लेकिन कहां से शुरू है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यानी कि लेवल 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, टोटल 4 लेवल है। और आपसे यहाँ पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लेवल 0 के बारे में बात करें, अगर आपकी सिमिलरिटी 10% है, यानी कि 10% तक अगर समानताएं रखी है तो इसको माइनर सिमिलरिटीज माना जाता है कि ये थोड़ी बहुत समानताएं हैं और इसमें किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। अगर लेवल 1 है, यानी कि आपकी सिमिलरिटी है वो 10% से लेके 40% तक सिमिलर है कोई कंटेंट, तो उसको लेवल 1 में इंक्लूड किया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप 6 महीने में इसको दोबारा से क्या करिए, इसको दोबारा सबमिट करिए। यानी कि 10% से लेके 40% अगर समानता है तो ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 माह की विधि निर्धारित अवधि के भीतर उनको संशोधित करके जमा करवाने को कहा जाएगा थीसिस या वो जो डिसर्टेशन होगी, ठीक है। अगर लेवल 2 में आ गए, लेवल 0 कर लिया, लेवल 1 कर लिया, अगर लेवल 2 में आ गए तो सिमिलरिटी 40% से 60% तक है आपकी सिमिलरिटी, तो उसको बोला जाता है लेवल 2। और सच स्टूडेंट शैल बी डिबरेट फ्रॉम सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर इस तरह की अगर सिमिलरिटीज आ गई है तो अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए आपको बोला जाएगा कि इसको संशोधित करिए और फिर इसको जमा करवाइए। अगर लेवल 3 की सिमिलरिटी है, यानी कि अबो 60% सिमिलरिटी है, तो सब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम शैल बी कैंसिल्ड। अगर आप सुनिए, अगर लेवल 3 की सिमिलरिटी आ गई, यानी कि 60% से ज्यादा सिमिलरिटी है, तो आप ऐसे छात्र का रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है, वो क्या कर दिया जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये था किसके किसके लिए, थीसिस के लिए और किसके लिए, जो आपका डिसर्टेशन है उसके लिए। अगर आप कोई रिसर्च पब्लिकेशन करवा रहे हैं, रिसर्च पेपर, रिसर्च पब्लिकेशन करवा रहे हैं, तो क्या क्या प्लेगरिज्म की पेनल्टीज होंगी, लेवल वो सेम ही है, लेवल 0, अगर सिमिलरिटी 10% तक है तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन लेवल 1 में वही है, सिमिलरिटी 10 से 40% है तो लेवल 1 में होगा
और उसको बोला जाएगा कि आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि रिसर्च जो पेपर है उसको वापस ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक, ये बोला जाएगा, लिखा हुआ है शैल बी आस्क्ड टू विथड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि 10% से और 40% तक समानताएं, ऐसे छात्रों को पांडुलिपि वापिस लेने को कहा जाएगा। अगर लेवल 2 के अंदर आ गए यानी कि सिमिलरिटी 40-60% तक आ गई तो मैन्युस्क्रिप्ट भी उसको वापिस लेना होगा यानी कि रिसर्च पेपर, और उसको एक एनुअल इंक्रीमेंट उसका रोका जाएगा। शैल बी डिनाइड ए राइट वन एनुअल इंक्रीमेंट, और जो उसके सुपरवाइजर है उनको शैल नॉट बी अलाउड टू बी सुपरवाइज टू एनी मास्टर्स एमफिल पीएचडी स्टूडेंट और स्कॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक वो नया स्टूडेंट नहीं ले पाएगा सुपरवाइजर जिसकी सुपरविजन में वो रिसर्च पेपर या मैन्युस्क्रिप्ट निकला था। लेवल 2 की सिमिलरिटी कर देते हैं तो, और लेवल 3 की सिमिलरिटी कर देते हैं मींस अब वो 60% लेवल 3 का हो जाता है तो मैन्युस्क्रिप्ट तो उसको वापिस लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसका 2 जो सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट रोका जाएगा, याद रखना है। और ऐसे सुपरवाइजर को नए स्टूडेंट लेने के लिए 3 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, रोका जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये है मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, जो आप रिसर्च पेपर वगैरह निकालते हो उसके लिए, और वो था थीसिस के लिए या फिर अपनी डिसर्टेशन के लिए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है जो आपका नेट के पेपर में पूछा गया है, इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अब मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन swmg, और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है, और ये पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आपको पेपर 1 पढ़ाता हूं मैं, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन, और अगस्त सितंबर के लिए 199 में कोर्स भी है एक, ठीक है। और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन का ओनली 1025 में है, जो अगस्त सितंबर के एग्जाम के लिए है, जिसकी वैलिडिटी सितंबर 5 तक रहेगी, और दिसंबर के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसी तरह के कंसेप्ट हम लेके आना, आप चाहते हो कि मैं ऐसे कंसेप्ट लेके आता रहूं, तो हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो आप मैक्सिमम इस चीज को शेयर करते रहें, मैक्सिमम चीजों तक पहुंचाते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करवाते रहें। ये मैं आप बोलने लगे हूं क्योंकि आपको याद करवाना पड़ता है, और अपने चित्त को आप शांत रखें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।